नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्षा वर्णन के अंतर्गत वर्षा वर्णन को हम लोगों ने कुछ मतलब अंश जो है इसका वर्णा हाँ वर्षा वर्णन को पढ़ना है। वर्षा वर्णन पिछले पाठ में हम लोगों ने क्या देखा था, अस्य माने नल के सकल जीव लोक सुख संतान अनुभवतः माने संपूर्ण संसार के सुखों को ये प्राप्त कर रहा था, यहाँ तक देखा था। अब हमको वर्षा वर्णन के अंतर्गत ये कुछ जो अंश है ये हमको देखना है, और यहाँ पर ये जितने भी वर्णन है ना, ये पूरा जितने भी विशेषण है सारे वर्षा के हैं। तो अथ कदाचित उन्मत्पयोधरांतरपतद्धारावली विराजिता कमलदलकांतनयना सुरचापचक्रवक्रभुवः विद्वन्मणिमेखलालङ्कारधारिण्यः शिञ्जानामुक्तकलहंसकाः प्रौढकरेणुसञ्चारहारिण्यः कम्रकन्धराः तिरस्कृतशशाङ्ककान्तिकलापोच्च मुखमण्डलाः सकलजगज्जे। ये देखिए, यहाँ तक कि किसके विशेषण है, वर्षाः, वर्षा के विशेषण है। जो वर्षा है वो राजानम अवलोकयितुम इव अवतरन्ति स्म, माने जो वर्षा है वो क्या करती थी, राजा को देखने के लिए। अवलोकयितुम इव अवतरन्ति स्म, राजा को मानो देखने के लिए उतरती थी। राजा कैसा था, अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम सकल जगत जेगीयमान गुणम, ये राजा के विशेषण है, ठीक है। और ये जो वर्षा के विशेषण है ये नायिका में भी घटेंगे। कदाचित उन्मत्त पयोधरांतर पतद्धारावली विराजिता कमलदलकांतनयना सुरचापचक्र वक्रभुवः विद्युन्मणिमेखलालङ्कारधारिण्यः शिञ्जानामुक्तकलहंसकाः प्रौढकरेणुसञ्चारहारिण्यः कम्रकन्धराः तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडला, नायिका के भी विशेषण हैं। ये ऐसे विशेषणों वाली नायिकाएं राजा को देखती थी, और वर्षा जो है, वर्षा माने वर्षा ऋतु, वो भी क्या करती थी, राजा को देखती थी, ठीक है। राजा को देखने के लिए मानो अवतरंती माने उतरती थी, ठीक है। तो ये नायिका में भी घटेंगे और वर्षा में भी घटेंगे, इसी बात को बता रहे हैं। अथ, अथ का मतलब होता है के अनंतर, उसके अनंतर, उसके अनंतर माने बाद। कदाचित, कदाचित माने कभी, किसी समय की बात है। कदाचित माने कभी किसी समय की बात है, उस समय की स्थिति को बता रहे हैं। वर्षा वर्णन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो सारे विशेषण वर्षा में घटेंगे। उन्नमत पयोधरांतर पतद्धारावली विराजिता, तो देखिए अर्थ देख लेते हैं। उन्नमत यानी कि उद्गच्छत, ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं। उन्नमत का अर्थ क्या है, ऊपर की तरफ जो उमड़ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्नमत यानी उमड़ते हुए, उमड़ते हुए यानी ऊपर की तरफ जो उड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जो उमड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसे उमड़ते हुए जो पयोधर, पयह कहते हैं जल को और धर कहते हैं धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला जलधर यानी कि बादल। तो उन्मत्त माने उड़ते हुए, पयोधर माने बादल, मेघ, ठीक है। उन बादलों के अंतर माने बीच से, ऐसे बादलों के अंतर माने मध्य से, बादलों के मध्य से, बीच से, पतत, पतत मतलब गिरती हुई, बरसती हुई, पतत माने बरसती हुई, अथवा कहो गिरती हुई, गिरती गिरती हुई, कौन गिरती हुई है, तो धारावली, धारा की आवली, धारा की पंक्तियां, धारा की आवली यानी पंक्ति, धारा की पंक्तियां गिर रही हैं। उन धारा की पंक्तियों से विराजित, विराजित का मतलब है सुशोभित है जो वर्षा। समझे कि नहीं समझे, समझिएगा आप। सुशोभित कौन है, वर्षा, ये जो वर्षाएं हैं वो सुशोभित हैं। किसके द्वारा, हार धारा गिर रही है, धारावली, धारा, देखो ऊपर से जब बारिश होती है तो पानी की क्या गिरती है, धारा गिरती है, कहाँ से, बादलों के बीच से। वही बता रहे हैं, बादल कैसे हैं, उन्नमत यानी उमड़ते हुए, उमड़ते घुमड़ते जो ऊपर की तरफ उड़ते हुए जो पयोधर यानी बादल हैं,
पया मतलब जल को धर धारण करने वाले, जो जलधर यानी मेघ, उन मेघों के अंतर माने मध्य से बीच से पतत माने बरसती हुई गिरती हुई जो धारा है, पानी की धारा जलधारा, उस जलधारा एक नहीं है, उसकी पंक्ति है, आवली है, मतलब बहुत सी जलधाराएं हैं। तो ऐसी धाराओं की जो आवली यानी पंक्ति, उन पंक्तियों से जो विराजित है, सुशोभित है, सुंदर लग रही है, ऐसी जो वर्षा, वो वर्षाएं राजा को देखने के लिए ऊपर से उतर रही हैं। और ये नायिका में भी घटेगा, नायिका वाला हम बाद में घटा लेंगे, ठीक है? अभी वर्षा वाले ही विशेषणों को देख लेते हैं, ठीक है? एक वर्षा का विशेषण हो गया, अब दूसरा वर्षा का विशेषण देखते हैं, ठीक है? कमल दल कांत नयना, तो जो वर्षा है वो कैसी है? कमल दल कांत नयना है। कमल दल मतलब क्या होता है? कमल दल मतलब कमल के जो पत्ते, कमल दल मतलब कमल के पत्ते, दल माने पत्ते, पत्ते भी पंखुड़ी भी ले सकते हैं। तो कमल के पत्ते, कमल के जो पत्ते हैं, उन पत्तों को कांत मतलब, कांत माने इष्ट, इष्ट समझते हैं, हम जिस चीज को चाहते हैं उसको हम इष्ट कहते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम इष्ट कहते हैं। हमको पढ़ना इष्ट है, हमको पढ़ना इष्ट है, तो पढ़ना क्या है? इष्ट माने कांत है, समझे कि नहीं? तो कांत यानी इष्ट है। किसको इष्ट है? कमल के पत्तों को इष्ट है। क्या इष्ट है? नयन इष्ट है, नयन यानी आगमन इष्ट है। नयन माने आना, आगमन इष्ट है, नयन का मतलब है आगमन इष्ट है। किसका? वर्षा का। समझ के, समझे कि नहीं? कमल के दल माने पत्तों को कांत माने इष्ट है, चाहिए। क्या चाहिए? नयन माने आना चाहिए, उन माने आगमन, नयन माने आगमन, कांत माने इष्ट है। किसको? कमल के पत्तों को। किसका आगमन इष्ट है? वर्षा का आगमन तो इष्ट है, नयन यानी आगमन जिनका। ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई वर्षा, ऐसी हो गई वर्षा। वर्षाएं, वर्षाएं मतलब वर्षा, बहुत सी वर्षा जो है वो क्या है? कमल के दलों को, कमल के पत्तों को, उन वर्षाओं का नयन यानी आना, आगमन कांत माने इष्ट है। तो कमल के दलों को कांत माने इष्ट है, नयन माने आगमन जिनका। ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई बहुत सी वर्षा। समझ में आया? वर्षा का विशेषण हो गया ये, कमल के दल माने पत्तों को। क्यों? क्योंकि जब बारिश आएगी तभी ना कमल के पत्ते कमल खिलेंगे, कमल के पत्ते हरे भरे होंगे। तो कमल के दलों को, पत्तों को कांत माने इष्ट है, नयन माने आना आगमन जिनका। ऐसी हैं वर्षाएं, ठीक है? और कैसी वर्षाएं हैं? ये नायिका में भी घटेगा, बाद में घटाएंगे। अब कह रहे हैं सूर्य चाप चक्र वक्र भुवः। कहते हैं कि वर्षा एक स्त्री है। वर्षा क्या है? एक। और स्त्री की क्या होती है? वर्षा एक स्त्री है। स्त्री की क्या होती है? स्त्री की भौहें होती हैं, ठीक है? तो वर्षा की भी भौहें हैं भाई, लेकिन स्त्री की भौहें तिरछी होती हैं, वर्षा की भौहें भी तिरछी हैं, लेकिन वर्षा के पास भौहें कैसी हैं भाई? तो वो बता रहे हैं कि सूर्यचाप। सूर्यचाप मतलब होता है सूर्य यानी इंद्र का। सूर्य मतलब क्या है? इंद्र का जो चाप माने धनुष, इंद्र का जो धनुष है, उस धनुष का जो चक्र माने गोला, धनुष गोलाकार होता है ना, तो धनुष का जो चक्र माने गोला, वो गोला ही क्या है? वक्र। वक्र वक्र मतलब तिरछी। ये भुवः लिखा है, भ्रु यहां होगा, ठीक है? भ्रुवः माने तिरछी भौहें। समझ में आया कि नहीं? तो सूर्यचाप माने इंद्र का धनुष का जो चक्र माने गोला है, सूर्य माने इंद्र के चाप माने धनुष का जो चक्र माने गोला है, इंद्र धनुष का जो गोल है, वो गोला ही क्या है? वलय, गोला। वही क्या है? वक्र माने वही तिरछी, भ्रु माने भौहें, वही तिरछी भौहें हैं जिनका। ऐसी कौन है? ऐसी वर्षाएं हैं। वर्षा क्या है? एक स्त्री है। उस स्त्री की भौहें, स्त्री की भौहें तो भौहें होती हैं, लेकिन वर्षा की भी भौहें हैं, लेकिन वो वर्षा की भौहें क्या हैं? तो वो हैं उसका जो वर्षा काल में इंद्र धनुष का जो गोला नहीं हो जाता है, सूर्यचाप यानी इंद्र का जो, सूर्य माने इंद्र का चाप माने धनुष का जो चक्र है माने गोला, वो गोला ही क्या है? वक्र भ्रु, वक्र माने तिरछी, भ्रु माने भौहें हैं जिसकी, जिनकी ऐसी वर्षा है।
अगर वर्षा को एक स्त्री का रूप देंगे तो वर्षा के हाथ पैर आंख नाक कान भौहों की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं? तो वर्षा के हाथ पैर नाक आंख कान सब शरीर की, हमारे शरीर की तरह थोड़े होंगे, उसके हाथ पैर नाक कान अलग होंगे। तो वर्षा रूपी स्त्री जो है, उस स्त्री की भौहें क्या हैं? वो जो वर्षा में सुरचाप माने इंद्र का धनुष का जो बलय होता है, जो चक्र होता है, गोला होता है, वही वर्षा रूपी स्त्री की भौहें हैं। ये बताना चाहते हैं कि वक्र माने तिरछी भ्रुवा माने भौहें हैं जिसकी, ऐसी है वर्षा रूपी स्त्री। ठीक है, ऐसी वर्षा जो है वो राजा को देखने के लिए अवतरंती इसमें, ठीक है, उतरती थी। और बता रहे हैं कि और कैसी वर्षा है भाई, तो विद्युन्मणि मेखला अलंकार धारिण। यहाँ अगर हम वस्त्र वर्षा को एक स्त्री मान लें, वर्षा को क्या मान लें, एक स्त्री मान लें, तो बताओ स्त्री अब आभूषणों को धारण करती है कि नहीं, अलंकारों को, शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों को धारण करती है कि नहीं? स्त्री धारण करती है। ऐसे वर्षाएं भी क्या करती हैं, अलंकार को धारण करती हैं, लेकिन उनके अलंकार ये सोने चांदी के थोड़े बने होते हैं, उनके वर्षाओं के अलंकार किसके बने होते हैं? वर्षा रूपी स्त्री के अलंकार जो होंगे वो क्या होंगे, वो बिजली, जो बिजली है वो बिजली ही उसका अलंकार है। बिजली चमकती है ना, जैसे नायिका के आभूषण चमकते हैं, वैसे वर्षा रूपी स्त्री के आभूषण क्या है, बिजली, विद्युत। समझे कि नहीं? विद्युत समझे, जो आकाशीय बिजली है, विद्युत माने बिजली चमकती है ना, वो बिजली ही क्या है, बिजली ही क्या है, मणि मेखला अलंकार है उसके। जो मणि देखो, स्त्री का जो मणि हो माने स्त्री का जो मेखला होता है, मेखला यानी करधनी, ठीक है, मणि माने रत्न का बना हुआ जो मेखला माने करधनी है, वो करधनी ही क्या है, अलंकार है। अलंकार मतलब क्या होता है, शोभा वर्धक। तो मणि यानी रत्न का बना हुआ जो मेखला यानी करधनी, वो करधनी ही क्या है, अलंकार माने शोभा वर्धक। अलंकार समझते हैं ना, शोभा बढ़ाने वाला, शोभा वर्धक। उस अलंकार को धारिणे है, मतलब धारण करने वाली, धारण करने करने वाली कौन है, उस अलंकार को धारण करने वाली कौन है, वर्षा, वर्षाएं हैं। समझ में आया कि नहीं? जो वर्षाएं हैं, बहुत सी वर्षा, केवल वर्षा शब्द भी बहुवचन ही जो है हिंदी में प्रयोग करेंगे, वर्षाएं नहीं करेंगे, ठीक है। वर्षा मतलब बहुत सी वर्षा, वो क्या है, वो वर्षा जो है, वर्षा रूपी स्त्री किसको धारण करती है, तो विद्युत माने बिजली की जो माने बिजली ही क्या है उसके लिए, तो बिजली ही क्या है, मणि की मेखला है, रत्न की करधनी रूपी अलंकार है। रत्न का जो मणि माने रत्न का जो मेखला करधनी, उस करधनी वही क्या है, अलंकार है। लेकिन वो अलंकार वर्षा के लिए क्या है, वर्षा के लिए विद्युत माने बिजली ही है। समझ में आया कि नहीं? विद्युत माने बिजली ही क्या है, रत्न की करधनी का अलंकार है। रत्न माने मणि माने रत्न की बनी हुई मेखला माने करधनी, वो करधनी रूपी जो अलंकार है, शोभा वर्धक है, वो बिजली के लिए क्या है, वो बने वर्षा के लिए क्या है, वो वर्षा के लिए बिजली ही है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई स्त्री अलंकार धारण करती है, तो स्त्री रत्न से युक्त मेखला यानी करधनी रूपी अलंकार को स्त्री धारण करती है, लेकिन वर्षा रूपी स्त्री तो बिजली रूपी करधनी को ही धारण करती है। वर्षा रूपी जो स्त्री है, वो स्त्री तो विद्युत माने बिजली रूपी ही करधनी को धारण करती है, उसके लिए तो बिजली ही क्या है, करधनी है, माने कि मणि से बनी हुई करधनी का जो अलंकार है, करधनी अलंकार जो है वो उसके लिए क्या है, रत्न का, रत्न रचित जो मेखला रूपी अलंकार, वो वर्षा रूपी स्त्री के लिए तो विद्युत ही है, बिजली ही है। समझे कि नहीं? उसको मनुष्यों की तरह थोड़े वो जो है करधनी धारण करती, वो बिजली धारण करती है, उसका बिजली ही अलंकार है जो कि यहां पर करधनी के तुल्य है। समझ में आया कि नहीं? तो उसको धारण करने वाली कौन है, वर्षा है। और कैसी है वर्षा, तो कहते हैं सिंजाना मुक्त कलहंस काह। कैसी है वर्षा, सिंजाना मुक्त कलहंस काह, मतलब क्या है इसका, सिंजान, सिंजान का मतलब होता है शब्द करते हुए, सिंजान मतलब क्या है, आवाज करते हुए। आवाज करते हुए मुक्त, मुक्त का मतलब है निकल गए, कहाँ निकल गए हैं,
मान सरोवर के लिए, मान सरोवर के लिए कौन निकल गए हैं? कलहंस माने श्रेष्ठ हंस, कलहंस माने श्रेष्ठ हंस, श्रेष्ठ हंस। तो सिंजान मतलब शब्द करते हुए, सिंजाना माने शब्द करते हुए, मुक्त माने निकल गए हैं, कलहंस माने श्रेष्ठ हंस। जिनके द्वारा अथवा जिन में, ठीक है, ऐसी कौन है? ऐसी हैं वर्षा, ठीक है, क्योंकि जब वर्षा काल आता है ना, तो जो कलहंस होते हैं श्रेष्ठ हंस, वो कहाँ निकल जाते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त मतलब वो निकल लेते हैं, प्रस्थान कर देते हैं, कहाँ? मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो इसलिए सिंजान माने शब्द करते हुए जो है, मुक्त मतलब निकल लेते हैं, निकल गए हैं कलहंस यानी श्रेष्ठ हंस। जिनके द्वारा माने वर्षा काल आती है, तो वर्षा काल जो है क्या करता है, हंसों को भेज देता है मानसरोवर के लिए। तो इसलिए सिंजान माने शब्द करते हुए, मुक्त माने निकल गए हैं, कलहंस माने श्रेष्ठ हंस। कहाँ के लिए? मानसरोवर के लिए, जिस जिनके द्वारा ऐसी है वर्षा अथवा जिन वर्षाओं वर्षा काल में निकल गए हैं, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? सिंजान माने शब्द करते हुए, मुक्त माने मानसरोवर के प्रति मुक्त हो गए हैं, निकल गए हैं। समझ में आया कि नहीं? जो माने प्रस्थान कर चुके हैं श्रेष्ठ हंस, जिनके कारण, जिन वर्षाओं के कारण ऐसी है वर्षा। ठीक है, और वर्षा कैसी है? तो कह रहे हैं प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्य। हाँ, प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब होता है बढ़े हुए, बढ़े हुए। क क मतलब होता है जल, तो बढ़े हुए जल से जल बढ़ गया है। अब बताओ प्रौढ़ का मतलब होता है प्रवृद्ध हो गया है, बढ़ गया है। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से बढ़ चुका है जो। क क मतलब जल होता है, क माने क्या होता है? जल होता है, क माने जल होता है। तो जब बताओ जल बढ़ जाएगा तो धूल उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। अरे वर्षा काल में जल बढ़ जाएगा ना, तो अब धूल उड़ेगी? धूल नहीं उड़ेगी। भाई बता रहे हैं प्रौढ़ माने बढ़े हुए, क माने जल के कारण, रेणु यानी धूल के, संचार माने उड़ने का। धूल तो संचार मतलब उड़ा, धूल की जो उड़ना, धूल के उड़ने को हारिण्य मतलब हरण करने वाली, रोकने वाली, धूल के उड़ने को हरण करने वाली, रोकने रोकने वाली है कौन? वर्षा। ये जो वर्षा काल है वो कैसी है? प्रौढ़ यानी बढ़े हुए, क माने जल के द्वारा। प्रौढ़ मतलब बढ़े हुए, क माने जल के द्वारा, रेणु माने धूल के, संचार माने उड़ने को, हारिण्य मतलब रोकने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रौढ़ माने जब बढ़े हुए, क माने जल से, क माने जल से, रेणु माने धूल के, संचार माने उड़ने को, हारिण्य रोकने वाली है। क शब्द यहाँ जल का वाचक है। प्रौढ़ माने बढ़े हुए, क माने जल के द्वारा, प्रौढ़ेन प्रवृद्धेन केन जलेन, रेणु यानी धूल का संचार जो है उसको क्या कर देती है? रोक देती है धूल के संचार को, धूल के उड़ने को, हारिण्य मतलब हरण कर लेती हैं, रोक लेती हैं। ठीक है, ऐसी कौन है वर्षा? क्यों? वर्षा काल में सारी धूल जो है उड़ना बंद हो जाती है। और कम्रकंधराह, कम्रकंधराह, कम्र यानी कि कम्र, कम्र का अर्थ दो है, एक तो कम्र मतलब होता है सुंदर, और कंधर का मतलब होता है मेघ। ठीक है, एक तो सुंदर मेघ, सुंदर मेघ बाली, सुंदर मेघ हैं जिनमें, तो ऐसी सुंदर मेघ बाली कम्राहा कंधराहा यासु। कम्र माने सुंदर, कंधर माने मेघ हैं जिनमें, कम्र माने कमनीय, सुंदर कंधर यानी मेघ हैं जिनमें, ऐसी मेघ वाली कौन है? वर्षाएं हैं। मेघ वाली क्या है? वर्षा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मेघ वाली क्या है? वर्षा है। अब बात यह है कि एक और भी अर्थ है कम्र का। कम्र मतलब है जल देने वाले, कम मतलब होता है जल, रौ मतलब होता है लाने वाले, देने वाले। कम का अर्थ है जल और रौ माने लाने वाले, तो कम मतलब जल और रौ मतलब देने वाले, लाने वाले, जल लाने वाले। और कंधर माने मेघ, जल लाने वाले मेघ, ऐसे मेघ वाली,
मेघवाली कौन है? वर्षा। समझ में आया कि नहीं? कम्र मतलब जल लाने वाले, कम माने जल को, र माने लाने वाले, जो कंधर यानी मेघ है उन मेघ ऐसे मेघवाली हैं वर्षा। कम्र माने सुंदर भी है और कम्र माने जल लाने, कम माने जल को, र माने लाने वाले जो मेघ। अब कंधर माने मेघ कैसे होता है? क्योंकि कंधर में कम है और कम का मतलब होता है जल, कम को, और धर माने धारण करने वाले। समझ आया कि नहीं? कम धर, कम माने जल को, धर धर माने धारण करने वाले, जलधर मेघ, कंधर माने मेघ होता है, कम माने जल होता है, धर माने धारण करने वाले। तो जल धारण करने वाले कौन होते हैं? मेघ होते हैं। ठीक है, कम्र मतलब सुंदर भी होता है, कम्र मतलब जल लाने वाले भी होता है। कम्र माने जल लाने वाले, कंधर माने मेघ हैं जहां पर, कम माने जल को धरने वाले, और कम्र मतलब जल को लाने वाले और जल को धारण करने वाले मेघ, ऐसे मेघवाली क्या है? वर्षा है। मेघ बहुत से मेघ जो हैं माने बादल जहां पर हैं, ऐसी वर्षा है। ठीक है, कम्र माने सुंदर, कंधर माने मेघ वाली। कम्र का अर्थ सुंदर भी होता है, और कम्र माने कम माने जल को, र माने लाने वाले, और कंधर माने तो मेघ ही होता है, कम माने जल को, धर माने धरने वाले, ठीक है, धारण करने वाले। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कंधर माने गर्दन भी होता है, चलिए वो जो है नायिका पक्ष में घटेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और वर्षा कैसी है? तो बता रहे हैं, तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडलाह वर्षा। वर्षा कैसी है? तो बता रहे हैं कि तिरस्कृत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है शशांक, शशांक की कांति को, यानी चंद्रमा की चांदनी के कलाप को, कलाप को, अथवा कलाप में उच्च माने ऊंचे हैं मुखमंडल जिनके। ठीक है, इसको जो है समझिएगा, थोड़ा अर्थ निकलेगा। तिरस्कृत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है मतलब ढक दिया है, ढक दिया है, छिपा दिया है शशांक यानी चंद्रमा के कांति को। कांति, चंद्रमा की कांति क्या है? चांदनी। चंद्रमा के चांदनी को, चांदनी को। समझ में आया कि नहीं? तिरस्कृत माने ढक दिया है, आच्छादित कर दिया है, शशांक माने चंद्रमा की कांति माने चांदनी को। किसने? वर्षा ने। बात समझ में आई कि नहीं? तो ढक दिया गया है शशांक माने चंद्रमा की कांति माने चांदनी को, जिनमें ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई वर्षा। समझ आया कि नहीं? ऐसी क्या हो गई? ऐसी वर्षा हो गई कि नहीं? और कलाप कहते हैं वर्षा के जो गीत होते हैं, वर्षा के गीत जो होते हैं उनको कलाप कहते हैं। तो उन वर्षा के गीतों में, गीतों में उच्च माने ऊंचे मुखमंडल, मुखमंडल का मतलब क्या है? गायिकाओं के जो मुखमंडल हैं, मुखमंडल मतलब जो मुखों का समूह है। तो कलाप माने वर्षा के गीतों में उच्च माने ऊंचे मुखमंडल मतलब मुखों का समूह। तो वर्षा के गीतों में उच्च मुखमंडल यानी कि ऊंचे हो जाते हैं मुखों का समूह। किसके मुखों का? गायिका के, गायिकाओं के। देखो, कलाप माने वर्षा के गीतों में उच्च माने ऊंचे हो जाते हैं कौन? गायिकाओं के मुखमंडल। गायिकाओं के मुखमंडल माने मुखों का समूह क्या हो जाता है? वर्षा के गीतों में ऊंचा हो जाता है। ऊंचा मतलब क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ हो जाता है। समझिएगा, देखिए ऐसा है ना, गायिकाएं जो होती हैं, गान करने वाली, गीत गाने वाली स्त्रियां, वर्षा काल में मेघ को देख करके, बादल को देख करके, आते हुए बादलों को देख करके क्या करती हैं? गीत गाती हैं, खुशी मनाती हैं। तो कलाप यानी वर्षा के गीत जो गाती हैं, कलाप मतलब है वर्षा के गीत, वर्षा के गीतों को गाती हैं क्या देख करके? बादलों को, ऊपर आए हुए बादलों को देख करके। तो उच्च माने ऊंचे, इसलिए उनके मुख क्या हो जाते हैं? उच्च माने ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ऊंचे मतलब ऊपर की तरफ मुख हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ मुखमंडल यानी कि मुखों का समूह हो जाता है। किसके मुखों का? गायिकाओं के मुखों का समूह। कलाप यानी वर्षा के गीतों में उच्च माने ऊंचा, ऊपर की तरफ मुखमंडल माने मुखों का समूह हो जाता है। किसका? गायिकाओं का।
और ऐसे मुखों का समूह हो जाता है जिनमें, ऐसी कौन है? ऐसी है वर्षा। जो वर्षा है ना, वर्षाओं में क्या हो जाता है, जो माने गायिकाओं का मुख का समूह है, मुखमंडल है, वो उच्च माने ऊपर की तरफ हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। किनमें? वर्षा के गीतों में। ऐसी हैं वर्षाएं। वर्षा जो है ना अपने गीतों में क्या करती हैं, जब वर्षा के गीत गाए जाते हैं तो गायिकाएं बादल को देख करके वर्षा गीत गाती हैं, तो इसलिए गायिकाओं के जो मुखमंडल हैं, मुखों का समूह है, वो उच्च माने ऊंचा हो जाता है। तो जिनमें ऊंचा हो जाता है, ऐसी कौन है? वर्षाएं। और वर्षाएं कैसी हैं कि जिनमें तिरस्कृत माने ढक दिया गया है शशांक की कांति को, चंद्रमा, शशांक यानी चंद्रमा के कांति माने चांदनी को जिनमें ढक दिया गया है, इस प्रकार की हैं वर्षाएं। समझ में आ गया कि नहीं? तिरस्कृत माने ढक दिया गया है शशांक यानी चंद्रमा की कांति को यानी चांदनी को जिनमें, ऐसी कौन है? ऐसी हैं वर्षाएं। ये सारे जो विशेषण किसके हैं? वर्षा, बहुत सी, बहुत वर्षा। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी हैं बहुत वर्षा। और वो क्या करती थी? वो अवतरंत इस्म, वो अवतरंत इस्म का मतलब आती थी। अवतरंत इस्म मतलब आती थी। अवतरंत इस्म माने आती थी। इव, इव माने मानो, इव माने मानो, अवलोकयितुम माने देखने के लिए, वो देखने के लिए आती थी। किसको? राजानम, राजा को, राजा माने नल को, ठीक है? राजानम मतलब राजा नल को, राजा नल को अवलोकयितुम माने देखने के लिए, माने मानो अवतरंत इस माने आती थी, उतरती थी वर्षाएं। बात समझ में आई कि नहीं? माने राजा को मानो देखने के लिए वर्षा जो है आती थी। राजा कैसा था? तो कहते हैं सकल जगत जेगी यमान गुणम, सकल माने सारा, जगत माने संसार, सारा संसार के द्वारा, सारे संसार के द्वारा कर दो, सकल माने सारे संसार के द्वारा जेगीयमान मतलब गाया जा रहा है, गुणम माने गुण जिसका, ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ राजा। इमम माने हुआ यह कौन हुआ? राजा। समझ आया कि नहीं? सकल माने सारे जगत माने संसार के द्वारा जेगीयमान मतलब गाया जा रहा है गुण जिसके, बात समझ में आई कि नहीं? जिसके दान दया दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं, सकल माने सारे संसार के द्वारा जेगीयमान है। जेगीयमान मतलब बार बार गाए जा रहे हैं। जेगीयमान मतलब बार 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 गाया जा रहा है गुण, गुणों का बखान, गुणों की प्रशंसा बार बार की जा रही है। सकल जगत सकल संसार के द्वारा जेगीयमान मतलब बार बार गाए जा रहे हैं, बार बार प्रशंसित किए जा रहे हैं गुण जिसके, ऐसे गुण वाला कौन हो गया? यह इमम माने यह जो राजा नल है, इस राजा को अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम। ये राजा कैसा है? तो कहते हैं अनुपम, अनुपम यानी अद्वितीय, और जहां कहीं भी ऐसा ना हो, इस प्रकार के रूप यानी सौंदर्य, इस प्रकार के सौंदर्य, इस प्रकार का जो सौंदर्य है, इस प्रकार का जो लावण्य है, लावण्य यानी कि जो इसकी कांति है, चमक है, इस प्रकार का अनुपम माने अद्वितीय जो रूप है, सौंदर्य है, लावण्य यानी कांति है, चमक है उसकी, जो उस सौंदर्य की कांति से, सौंदर्य की कांति से, सौंदर्य की चमक से, रूप के लावण्य से, सौंदर्य रूप माने सौंदर्य के लावण्य यानी कांति से, चमक से, कैसी वो है? अनुपम है, अद्वितीय है, जैसी संसार में और कहीं भी नहीं है, अप्रतिम है, अतुल्य है, ऐसे रूप यानी सौंदर्य के लावण्य यानी कांति की चमक से, सौंदर्य की कांति से, सौंदर्य की चमक से, सौंदर्य की चमक। और चमक भैया वो कांति थोड़ी नहीं है, कांति बहुत ज्यादा है, वो कांति की जो राशि है, कांति की जो राशि यानी पुंज है, पुंज माने समूह है, पूरा कांति का पूरा समूह है, उस पुंज से जो राजित है, राजित का मतलब होता है सुशोभित है, राजित यानी कि सुशोभित है, यानी उसकी शोभा को कौन बढ़ा रहा है? अनुपम रूप लावण्य राशि उसकी शोभा को बढ़ा रही है। अनुपम माने अद्वितीय रूप माने सौंदर्य के जो लावण्य यानी कांति की जो माने कांति की जो राशि है,
रूप यानी सौंदर्य का, लावण्य यानी जो कांति चमक, सौंदर्य की जो चमक है, उस चमक की जो राशि माने पुंज, थोड़ी चमक नहीं है चमक, पूरी बहुत पुंज है चमक का, उस पुंज से जो राजित यानी सुशोभित, कौन सुशोभित है, वो राजा है, राजा माने राजा नल। ऐसे राजा नल को इव माने मानो अवलोकयितुम तुम माने देखने के लिए, अवतरंति स्म वर्षा, बहुत सी वर्षाएं उतरती थी, ठीक है। राजित माने सुशोभित माने शोभा बढ़ रही है किसके द्वारा, अद्वितीय रूप लावण्य की राशि से, अनुपम अद्वितीय रूप सौंदर्य के लावण्य माने कांति की राशि से, पुंज से समूह से पूरी उसके जो है शोभा बढ़ रही है, उससे जो राजित है सुशोभायमान है, ऐसे राजा को देखने के लिए इव माने मानो वर्षा अवतरंति स्म वर्षाएं उतरती थी, ठीक है। ये वर्षा के सारे विशेषण हुए भाई। अब यही विशेषण किसमें घट जाएंगे, नायिका में भी घटेंगे, नायिकाएं भी राजा को देखने के लिए आती थी, ठीक है। तो अब नायिकाओं के लिए जो है इन विशेषणों को घटाएंगे। तो देखो, अथ माने वही अनंतर, कदाचित माने कभी। तो जो वर्षाएं हैं ना, वो वर्षाएं नायिकाओं की तरह हैं। ये जो बहुत सी वर्षा हैं वो किसकी तरह हैं, नायिका की तरह है। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत सी जो वर्षाएं हैं वो किसकी तरह हैं, नायिका की तरह हैं, क्योंकि ये विशेषण पूरे नायिका में भी घट जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे घटेंगे। तो जो नायिका रहती हैं उनके उन्नमत मतलब ऊंचे, उन्नमत माने जो ऊंचे, पयोधर मतलब होता है स्तन, ठीक है। उन्नमत मतलब ऊंचे ऊंचे ऊपर की तरफ उठे हुए, नायिका मतलब स्त्रियां, उनके जो पयोधर रहते हैं, पयोधर मतलब पय माने दूध को, धर माने धारण करने वाले, यानी स्तन रहते हैं उनके, कुछ रहते हैं। तो उन्नमत माने ऊंचे उठे हुए, जो ऊपर की तरफ निकले हुए जो पयोधर माने स्तन, उन स्तनों के अंतर, अंतर माने बीच में, स्तनों के अंतर माने बीच में, उन्नमत माने ऊंचे, पयोधर माने स्तनों के अंतर माने बीच में, बीच में पतत माने लटकती हुई, बीच में पतत माने लटकती हुई जो हारावली है, हारावली मतलब है मणि की माला। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो नायिकाएं हैं उन नायिकाओं के जो स्तन हैं, उन स्तनों के बीच में उन्नमत माने ऊंचे ऊंचे जो पयोधर माने स्तन हैं, उन पयोधर माने स्तनों के, पया मतलब दूध को, धर माने धारण करने वाले, इसलिए पयोधर माने दूध धारण धारण करने वाले स्तन, उन स्तनों के अंतर माने बीच में पतक पतत मतलब लटकती हुई जो हारावली है मतलब मणि की माला है, हारावली मतलब मणि की माला, ठीक है। तो पतत माने लटकती, स्तनों के बीच में लटकती हुई है हारावली माने मणि की माला, उस मणि की माला से विराजित माने सुशोभित हो रही हैं, विराजित यानी सुशोभित हो रही हैं, कौन हो रही हैं, कौन, नायिकाएं, बहुत सी नायिकाएं हैं जो विराजित माने सुशोभित हो रही हैं किसके द्वारा, हारावली माने मणि की माला से। वो मणि की माला कैसी है, पतत माने लटक रही है किसके बीच में, अंतर माने बीच में किसके, पयोधर माने दोनों स्तनों के, ठीक है। उन्नमत माने ऊंचे जो पयोधर माने दोनों स्तन, उनके अंतर माने बीच में पतत माने लटक रही है हारावली मतलब मणि की माला, उस मणि की माला से विराजित माने सुशोभित हो रही हैं, कौन, नायिकाएं। ये एक अर्थ हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पर जो पतत, ये वाला जो है ना पतत हारावली, तो अंतर का मतलब है बीच में, पतत का मतलब है लटक रहे हैं। अब लटक रहे हैं मतलब प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जो हारावली हार, अब देखो मतलब अब समझना होगा, जो हार है, हार का मतलब होता है वही मणि की माला, वो मणि की मा, अब यहां पर जो है ना इसको तोड़ना पड़ेगा, एक देखिए, ये दो हो जाएंगे फिर, समझ में आएगा ना, अलग अलग।
उन्नमत मतलब ऊंचे, पयोधर माने स्तन, उनके स्तन क्या हैं, अत्यंत ऊंचे हैं और विशाल हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्तनों के अंतर माने बीच में, अंतर माने मध्य में, पतत माने लटक रहा है, मतलब प्रवेश नहीं कर पा रहा है, मध्य में प्रवेश नहीं कर पा रहा है कौन, हार। हार मतलब होता है मोती की माला, हार जिन जिनके ऐसी कौन हो गई, ऐसी हो गई नायिका। समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि नायिकाओं के स्तन इतने विशाल हैं, इतने माने स्थूल हैं, इतने मोटे हैं कि उन उनकी विशालता के कारण, उन स्तनों के बीच में जगह ना होने के कारण, पतत का मतलब प्रवेश नहीं कर पा रहा है हार। बात समझ में आई कि इसलिए उनके ऊपर ही लटक रहा है, उनके बीच में प्रवेश, स्तनों के बीच में नहीं प्रवेश कर पा रहा है, क्योंकि उन्नमत मतलब क्या है, ऊंचे उठे हुए जो पयोधर माने स्तन हैं, उनके अंतर माने मध्य में पतत माने प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ही लटक रहा है हार, मतलब मोती की, माने हार का मतलब वही, ठीक है, मणि की माला, माला जो है हार माने माला, तो वो किसी चीज की भी बन सकती है, तो यहाँ पर तो रत्नों की माला लेनी है, तो हार मतलब माला, रत्नों की माला, जिनके स्तनों के मध्य में प्रवेश नहीं कर पा रही, माने हार माने माला प्रवेश कर नहीं कर पा रहा है, हार यानी माला प्रवेश नहीं कर पा रही है, ऐसी हैं जो नायिकाएं, ठीक है, समझ आया कि नहीं। उन्नमत माने ऊंचे, पयोधर माने स्तन इतने विशाल हैं कि उनके अंतर माने मध्य में, पतत माने लटक रही हैं, प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, ऊपर ही लटक रही हैं, हार माने मालाएं, ठीक है, पतत माने प्रवेश नहीं कर पा रहा है, हार माने माला, ठीक है, जिनके ऐसी हैं कौन, ऐसी हैं नायिकाएं, नायिकाएं। और नायिकाएं कैसी हैं, बली से, वली कहते हैं उदर, उदर की रेखा, रेखा से विराजित माने सुशोभित हैं, वही विराजित माने सुशोभित, वही सुशोभित हो रही हैं नायिकाएं। समझ में आया कि नहीं, जो वली माने उदर की रेखाओं से, उदर में जो त्रिवली होती हैं, तीन रेखाएं हो जाती हैं, वो उन्हीं के उदर में होती हैं, जिनका उदर क्या होता है, कृश होता है, पतला होता है, कम होता है, ठीक है, अल्प होता है, तो उस बली यानी उदर की रेखाओं से जो विराजित यानी सुशोभित हो रही हैं, ऐसी हैं नायिकाएं। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसी कौन है, नायिकाएं। और वो नायिकाएं ऐसी नायिकाओं की तरह जो बरसा, वो बरसा राजा को देखने के लिए, अथवा नायिकाएं राजा को देखने के लिए आती थीं, अवतरंती इसमें, ठीक है। जब अवतरंती है क्या, लट लकार का रूप है, इसमें लगा देंगे तो उसका भूतकाल में अर्थ निकल आएगा, वर्तमान था इसमें लगाया, भूतकाल में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, वली माने उदर रेखाओं से विराजित माने सुशोभित हो रही हैं नायिकाएं, और उन्नमत ऊंचे पयोधर स्तनों के अंतर माने मध्य में, पतत माने नहीं प्रवेश कर पा रहा है हार, जिनके ऐसी हैं नायिकाएं, ठीक है। और एक ऊपर अर्थ था वो भी मैंने बता दिया कि उन्नमत माने ऊंचे पयोधर माने स्तनों के अंतर माने बीच में, पतत माने लटकती हुई जो हार माने मणि की माला, हारावली, यहाँ पूरा हारावली का अर्थ है मणि की माला, उस मणि की माला से विराजित माने सुशोभित हो रही है, ठीक है। आप कह रहे हैं और कैसी हैं भाई, तो कमल दल कांत नयनाहा, कमल दल कांत नयनाहा, कमल दल माने कमल के पत्ते की तरह, कमल के दल माने पत्ते की तरह, कांत माने सुंदर, कमल के पत्ते की तरह, कांत माने सुंदर, नयन माने नेत्र हैं जिनके, ऐसे नेत्र बाली कौन है, नेत्र बाली कौन है, नायिकाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कमल दल माने कमल के पत्ते के तुल्य, कमल के पत्ते की तरह, कांत माने सुंदर, जैसे कमल का पत्ता कांत होता है, सुंदर होता है, उसी प्रकार से कमल दल माने कमल के पत्ते की तरह, कांत माने सुंदर, नयन माने नेत्र वाली, नयन है जिनके, ऐसी नयनों वाली, नेत्रों वाली हैं नायिकाएं, कमल के पत्ते की तरह सुंदर नेत्र वाली हैं नायिकाएं। समझ में आ गया कि नहीं, जो ऊपर अर्थ देखो, कांत माने ऊपर इष्ट था, नयन माने आगमन था, यहाँ कांत माने सुंदर है और नयन माने नेत्र है, तो अर्थ बदल जा रहा है, ठीक है, अलग अलग पक्ष में अलग अलग अर्थ हो जा रहा है, मैं आपको इसीलिए अलग अलग करके बता दे रहा हूँ। ऐसी हैं नायिकाएं, कमल के दल माने पत्ते की तरह, कांत यानी सुंदर, नयन माने नेत्र हैं जिनके, ऐसी हैं नायिकाएं, नेत्र वाली नायिकाएं। और सुरचाप चक्रवक्र भुवः, सुर सुर चाप
चाप माने इंद्र धनुष। इंद्र धनुष का जो चक्र मतलब गोला, समझिएगा, इंद्र धनुष किसका जो है भौं था, वर्षा का। लेकिन इंद्र धनुष जो है क्या नायिका का भी भौं हो सकता है भाई? वर्षा का भौं ध्रुव कौन है? वर्षा का भौं कौन है? वर्षा का भौं है इंद्र धनुष, लेकिन नायिका का जो भौं है वो इंद्र धनुष थोड़े है, इंद्र धनुष के तुल्य भौं है। ठीक है, तो सूर्यचाप यानी इंद्र धनुष का जो चक्र माने गोला, उस गोला की तरह, गोले की तरह वक्र यानी तिरछी, गोले की तरह तिरछी, भ्रू, भ्रू मतलब भौहें, भौहें जिनकी, समझ में आया कि नहीं? ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई नायिकाएं। समझ में आ गया कि नहीं कि नायिकाएं कैसी हैं? उनके जो वक्र माने तिरछी, भ्रुवा माने भौहें हैं किसके तरह? सुरचाप चक्र इंद्र धनुष के, सुरचाप यानी इंद्र धनुष, सुर माने इंद्र, चाप माने धनुष का जो चक्र माने गोला है उसकी तरह वक्र माने तिरछी हैं, भ्रुव मतलब भौहें, भ्रुवा माने भौहें जिनकी, ऐसी हैं नायिकाएं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नायिकाओं की भौहें इंद्र धनुष थोड़े हो सकती हैं, इंद्र धनुष का गोला। लेकिन वर्षा के जब पक्ष में घटाया था तो हमने क्या किया था? इंद्र धनुष का गोला ही है तिरछी भौहें जिसकी, ऐसी वर्षा थी। लेकिन यहाँ सूर्यचाप माने इंद्र का धनुष जो है उसका जो चक्र माने गोला है, इंद्र धनुष का जो गोला है वो जैसे तिरछा रहता है उसी प्रकार से उसकी तरह वक्र माने तिरछी, तिरछी सुंदर भौहें हैं, भ्रू माने भौहें हैं जिनकी, ऐसी हो गई नायिकाएं। ठीक है, अब देखो जो वर्षा थी ना वो विद्युत को ही, बिजली को ही अपनी करधनी के रूप में धारण करती थी। वर्षा के पास करधनी थोड़ी रहेगी, उसके पास तो बिजली है, वो बिजली ही क्या है, करधनी बन गई थी उसकी, हमने बताया था। लेकिन जब हम नायिका के पक्ष में घटाएंगे तो नायिका थोड़ी बिजली को धारण करती है, बिजली तो कहाँ रहती है, वर्षा में रहती है, बिजली नायिका के पास थोड़ी होती है। ठीक है, वो अलग बात है, नायिका भी विद्युत बिजली गिराती है किसकी तरह, वर्षा की तरह। लेकिन यहां पर अलग है, विद्युत असली वाली विद्युत थोड़े रहती है यहां पर, जो बिजली चमकती बादल में वो थोड़ी रहती नायिका के पास। तो हम नायिका के पक्ष में घटाएंगे तो बिजली को अलंकार नहीं बनाएंगे, अभी तो बिजली की तरह चमकता हुआ ऐसा अर्थ करेंगे। समझ में आया कि नहीं? नायिका के पक्ष में क्या करेंगे, विद्युत माने बिजली की तरह। देखिए यही ध्यान देना है, जब वर्षा में करेंगे तो बिजली को ही अलंकार बनाएंगे, रूपक करेंगे, रूपक अलंकार, और जब हम कहेंगे बिजली की तरह तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो बिजली की तरह जो मणि की मेखला रूपी अलंकार, मणि यानी रत्न का, मेखला माने करधनी, ये क्या है, अलंकार है मतलब शोभा वर्धक है। ठीक है, तो आभूषण है, रत्न की जो करधनी है वही क्या है, आभूषण है। ठीक है, तो वो आभूषण किसकी तरह है, विद्युत की तरह, विद्युत माने बिजली की तरह चमकदार, बिजली की तरह कांति वाला, चमक चमकदार है, बिजली की तरह चमकने वाला मणि मेखला माने रत्न की करधनी, बिजली की तरह चमकने वाली है, चमकदार है जो रत्न की करधनी, वही अलंकार माने शोभावर्धक आभूषण है। और उस आभूषण को धारिण्य मतलब धारण करने वाली कौन है, नायिकाएं हैं। समझ में आया कि नहीं? और नायिकाएं कैसी, तो ये समझ आ गया कि नहीं, विद्युत माने बिजली की तरह चमकते हुए, मणि मेखला माने रत्नों की मेखला करधनी के अलंकार को धारण करने वाली हैं। ठीक है, कौन, नायिकाएं ऐसे शोभावर्धक आभूषण को धारण करती हैं जो बिजली की तरह चमकता है, और जो मणि यानी रत्नों की जो मेखला माने करधनी है वही अलंकार है, उस अलंकार को धारण करती हैं कौन, नायिकाएं। और नायिकाएं कैसी हैं, सिंजाना मुक्त कलहंशकाः, सिंजान, सिंजान का मतलब है यहाँ पर शब्द करते हुए, वहां भी वही था, सिंजान मतलब था शब्द करते हुए, आवाज करते हुए जो आमुक्त है, आमुक्त मतलब बांधे गए, आमुक्त मतलब बंधे हुए,
सिंजान मतलब क्या है? आवाज करते हुए, आमुक्त माने बंधे हुए, जो कलहंस हैं, कलहंस यानी नूपुर। ठीक है, पैर के आभूषण, बात समझ में है कि नहीं? पायल, पाजेब जो भी रहता है, तो नूपुर, नूपुर समझ गए कि नहीं? पैरों के आभूषण, तो वो क्या है? सिंजान माने आवाज कर रहे हैं, ठीक है, सिंजान माने आवाज कर रहे हैं, आमुक्त माने बंधे हुए हैं, ठीक है, सिंजान का मतलब क्या? आवाज कर रहे हैं, आमुक्त माने बंधे हुए हैं पैरों में, कौन? कलहंस माने नूपुर, जिनके, ऐसी कौन हो गई? नायिकाएं, जिनके पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं, कलहंस यानी नूपुर बंधे हुए पैरों के आभूषण, वो सिंजान माने आवाज कर रहे हैं, आमुक्त माने बंधे हुए, सिंजान माने आवाज करते हुए, आमुक्त माने बंधे हुए, कलहंस माने नूपुर हैं, जिनके जिनके पैरों में नूपुर हैं, ऐसी कौन हो गई? नायिकाएं हो गई। ठीक है, और कैसी नायिकाएं हैं? तो प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्य, हाँ, प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्य, हाँ। अब यहां पर प्रौढ़ का अर्थ होगा विशाल, प्रौढ़ माने बहुत बड़ी, विशाल। अब यहां क माने जल नहीं है, रेणु माने धूल नहीं है, करेणु माने हथिनी है, तो विशाल हथिनी के संचार को, विशाल हथिनी के संचार, संचार माने गति को, बात समझ में है कि नहीं? विशाल हथिनी के गति को हारिण्य मतलब हरने वाली, समझिएगा, विशाल हथिनी जैसे चलती है, उसकी जिस प्रकार से मतवाली चाल होती है, विशाल हथिनी के मतवाली चाल, गति मतलब क्या है? चाल। ठीक है, तो प्रौढ़ मतलब विशाल, करेणु माने हथिनी के जो मतवाली, उसकी जो चाल है, जो उसकी सुंदर चाल है, कहते हैं ना स्त्रियां गजगामिनी, गज की तरह मतवाली चाल है जिनकी, तो प्रौढ़ यानी विशाल, करेणु यानी हाथी हथिनी के मतवाली चाल जो है, जो अत्यंत सुंदर है, गति चाल गमन, उस संचार को ये हरने वाली हैं, यानी उसी की तरह मतवाली चाल चलने वाली हैं। विशाल हथिनी के मतवाली चाल को इन्होंने, नायिकाओं ने हर लिया, हरण कर लिया है, माने उसकी हथिनी की गति को इन्होंने हरण कर लिया, ये भी उसी गति से चलती हैं, जिस तरह से हथिनी मतवाली चाल चलती है, वैसे ही इनकी भी मतवाली चाल है। ठीक है, प्रौढ़ यानी विशाल, करेणु के संचार माने गति को, मतलब मतवाली चाल को हरे हारिण्य हरने वाली हैं, कौन? नायिकाएं। और नायिकाएं कैसी हैं? कम्र कंधराह, कम्र यानी सुंदर, कंधर माने ग्रीवा मतलब गर्दन। ठीक है, कम्र यानी सुंदर, कंधर माने ग्रीवा गर्दन हैं जिनके, ऐसी गर्दन वाली कौन हो गई? नायिकाएं हो गई। समझ में आया कि नहीं? नायिकाएं हैं ऐसी, विशाल हथिनी के गति को हरने वाली, विशाल हथिनी के मतवाली चाल को हरण कर लिया है इन्होंने, ये भी वही चाल अब पकड़ ली है, और सुंदर कम्र माने सुंदर, कंधर माने ग्रीवा गर्दन वाली हैं नायिकाएं। ठीक है, और नायिकाएं कैसी हैं? तो तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडलाह, नायिकाओं ने क्या कर दिया है? तिरस्कृत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है यानी कि पीछे छोड़ दिया है, अपमानित कर दिया है। ठीक है, तिरस्कृत कर दिया, अपमानित कर दिया, तो तिरस्कृत शशांक कांति, तिरस्कृत मतलब अपमानित कर दिया है, शशांक यानी चंद्रमा की कांति यानी चांदनी के कलाप को, कलाप मतलब समूह को, बात समझ में है कि नहीं? समूह को, जिसने ऐसा उच्च माने ऊंचा, ऐसा ऊंचा ऊंचा मुख, ऐसा ऊंचा मुख मंडल है जिनका, ऐसा इसलिए क्योंकि, समझिए अब थोड़ा सा, आप देखिए यहां पर उच्च का अर्थ तो दो तीन निकलेगा, उच्च का मतलब क्या है?
उत्कृष्ट, उच्च माने एक तो ऊंचा, ऊंचा मतलब जो होता है ना गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तिरस्कृत कर दिया है माने अपमानित कर दिया है, दूर भगा दिया किसको, शशांक माने चंद्रमा की कांति यानी चांदनी के कलाप माने समूह को, कि चंद्रमा की कांति उसके माने नायिकाओं के मुख की कांति के सामने फीकी पड़ गई। शशांक माने चंद्रमा की कांति यानी चांदनी का जो कलाप माने समूह है वो उतना प्रकाशित नहीं हो रहा, उतना सुंदर नहीं रहा जितना इनके मुख की कांति है, मुख का जो वर्ण है, तो इसलिए तिरस्कृत कर दिया, अपमानित कर दिया है शशांक माने चंद्रमा की कांति यानी चांदनी के कलाप माने समूह को अपमानित कर दिया है, इसीलिए उच्च माने ऊंचा हो गया है, इसीलिए ऊंचा हो गया है मुखमंडल माने मुख का जो समूह है, मुखमंडल माने मुख का जो समूह, नायिकाओं का जो मुख है, उन मुखों का जो मंडल समूह है वो ऊंचा हो गया है, गर्व से अभिमान से भर गया है, उच्च हो गया माने उच्च माने उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है कि नहीं है, चंद्रमा के अपेक्षा क्या है, उत्कृष्ट है, अथवा जिसके गाल ऊपर ऊंचे हो गए हैं, उच्च मतलब उत्कृष्ट है अथवा ऊंचे गाल वाला, गाल जो है ना कपोल, कपोल क्या हो गए, ऊंचे हो गए हैं, गाल ऊंचे हो गए हैं, अथवा ये जो ऊंचा हो गया है गर्व से जो भर गया है, इस प्रकार से ये उच्च के अर्थ निकलेंगे, उच्च माने ऊंचा, उत्कृष्ट ऊंचे गाल वाला, अथवा गर्व से जो भरा हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो है, जो ऐसा कौन है, मुखमंडल, ऐसा मुखमंडल, मुखमंडल माने समूह, ऐसा मुखों का समूह, ऐसे मुख के समूह वाली कौन है, नायिकाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं जी, नायिकाओं के मुखमंडल ने, मुख के समूह ने तिरस्कृत अपमानित कर दिया है शशांक माने चंद्रमा की कांति के चांदनी के कलाप माने समूह को भी अपमानित कर दिया, मतलब पीछे कर दिया है, जिसने ऐसा जो मुख समूह है, मुखों का मंडल है, वो गर्व से ऊंचा हो गया, उच्च हो गया है यानी उत्कृष्ट हो गया है, अथवा ऊंचे गाल वाला हो गया है, उत्कृष्ट हो गया है, ऊंचा हो गया है गर्व से मुखमंडल, मुख समूह जिनका, ऐसे मुख समूह वाली कौन है, नायिकाएं हैं। और ऐसी नायिकाएं क्या करती थीं, उस राजा को देखने के लिए आती थीं, वही यहाँ लिखा है, सकल जगत जेगी यमान गुणम, सकल माने सारे जगत संसार में जेगी यमान मतलब बार बार गाया जा रहा है गुण जिसका, ऐसे इस राजा को अनुपम रूप लावण्य राश राजितम, अनुपम अद्वितीय रूप सौंदर्य की लावण्य यानी कांति की राशि माने पुंज से राजित सुशोभित हो रहा है, अद्वितीय रूप यानी सौंदर्य के लावण्य माने कांति के राशि यानी पुंज से समूह से सुशोभित जो राजा है उसको अवलोकित तुम मानो देखने के लिए अवतरंती माने आती थी कौन, वर्षाएं और वर्षा के तुल्य नायिकाएं, ये जो नायिकाओं के सारे विशेषण थे ना, ऐसी नायिकाएं राजा को देखने के लिए आती थी, और नायिकाएं तो आती नहीं थी, आती तो वर्षा थी, तो इसीलिए क्या अर्थ निकलेगा, नायिका की तरह, नायिका के तुल्य जो बहुत सी वर्षाएं हैं वो राजा को देखने के लिए आती थी, और सारे विशेषण नायिकाओं में भी घट गए, वर्षाओं में भी घट गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देखेंगे इसके अगले हिस्से को। सर्वेभ्यो नमो नमः।